ईरान के प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी अजरबैजान में डैम का उद्घाटन करके अपने हेलीकॉप्टर से ईरान वापसी के लिए रवाना होते हैं। इनके साथ ईरानी फॉरेन मिनिस्टर हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियन समेत 9 लोग मौजूद थे। लेकिन जैसे ही हेलीकॉप्टर नॉर्थ वेस्ट ईरान के डिजमर फॉरेस्ट रीजन में पहुंचता है, अचानक से ये क्रैश कर जाता है और इसमें मौजूद सभी पैसेंजर्स की मौत हो जाती है। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस हादसे का रीजन खराब मौसम हो सकता है, लेकिन अगर सच में ऐसा होता तो इस खराब मौसम का असर उन दो हेलीकॉप्टर्स पर भी पड़ता जो उनके साथ ही फ्लाई कर रहे थे। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर क्या है इस हैरान कर देने वाले हादसे के पीछे की सच्चाई, कौन है इसका जिम्मेदार और क्यों बार बार इसराइल को इसका दोषी बताया जा रहा है। आज इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं, पर वीडियो शुरू करने से पहले हमारी गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब करने से हमें ऐसे ही काम करने का एनकरेजमेंट मिलता है। तो चलिए अब जानते हैं इस घटना के पीछे की सच्चाई। ₹19 मई 2024, एक ईरानियन एयरफोर्स हेलीकॉप्टर अजरबैजान के गिज गलाजी डैम से ईरान के तबरीज शहर के लिए उड़ान भरता है। इस हेलीकॉप्टर में ईरान के प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी, ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर हुसैन आमिर अब्दुल्लाहियन, ईस्ट अजरबैजान प्रोविनेंस के गवर्नर, तबरीज के एक सीनियर क्लरिक, 3 क्रू मेंबर्स और एक रेवोल्यूशनरी गार्ड ऑफिशियल सवार होते हैं जो गिज गलाजी डैम का उद्घाटन करने ईरान लौट रहे थे। इस उड़ान के लिए अमेरिकन मेड बेल 212 हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया जाता है, जो एक बहुत ही पुराना एयरक्राफ्ट था। इस हेलीकॉप्टर की कमान ईरानियन एयरफोर्स के 2 पायलट्स के हाथों में होती है, जो काफी एक्सपीरियंस्ड और हाई रैंकिंग ऑफिसर्स थे। यह हेलीकॉप्टर तेजी से अपनी डेस्टिनेशन की तरफ बढ़ता है। इस काफिले के साथ 2 और हेलीकॉप्टर होते हैं और ये भी बिना किसी इशू को फेस किए इस सफर के लिए उड़ान भरते हैं। लेकिन जैसे ही बेल 212 ईरान के उजी गांव के लगभग 2 किलोमीटर साउथ वेस्ट में पहुंचता है, इसमें कुछ गड़बड़ी महसूस होने लगती है, जिसके बाद 2 इमरजेंसी कॉल्स की जाती हैं, लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं होता। और करीब 13.30 IRST पर यह हेलीकॉप्टर क्रैश कर जाता है। जिसमें सभी 9 लोगों की मौत हो जाती है। ये एरिया डिजमर फॉरेस्ट रीजन में आता है, जो एक वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर है, और इस जगह हेलीकॉप्टर क्रैश होने का मतलब है कि ये कई टुकड़ों में बंट गया होगा। कुछ ही समय में इस क्रैश की न्यूज दूर दूर तक फैल जाती है और तुरंत ही इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान आर्म्ड फोर्स के चीफ मेजर जनरल मोहम्मद बगैरी एक्शन लेते हुए फुल रिसोर्स के साथ रेस्क्यू ऑपरेशंस का ऑर्डर देते हैं और 8:39 तक ईरानियन फोर्सेस क्रैश साइट के करीब पहुंच जाती हैं और उनका रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हो जाता है। हालांकि ये काम इतना आसान नहीं था, इसी के चलते इसके लिए 40 रेस्क्यू टीम्स को लगाया जाता है, जो मलबे की छानबीन शुरू कर देते हैं। ड्रोन्स के इस्तेमाल से भी हेलीकॉप्टर की तलाश की जाती है, लेकिन सब फेल होता नजर आता है, क्योंकि कई घंटे की रिसर्च के बाद भी मलबे का कुछ भी पता नहीं लग पाता। इसके बाद से आर्मेनिया, अजरबैजान, इराक, कतर, टर्की और रशिया इस सर्च ऑपरेशन में मदद के लिए आगे आते हैं और काफी समय बाद एक टर्किश UAV, जो एक ड्रोन है, वो क्रैश साइट के एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट्स को प्रोवाइड करता है। ये कोऑर्डिनेट्स दिखाते हैं कि क्रैश साइट अजरबैजान और ईरान बॉर्डर से 20 किलोमीटर साउथ में खड़ी ढलान वाले माउंटेन के ऊपर है, मतलब कि ये जगह पहाड़ी इलाके में है जहां पर पहाड़ियों की ढलान बहुत ही ज्यादा शार्प है। इस वजह से रेस्क्यू ऑपरेशंस बहुत ही ज्यादा चैलेंजिंग हो गया था। और 19 मई को हेलीकॉप्टर मिल जाता है, लेकिन उसकी कंडीशन को देखते हुए रेस्क्यू टीम को तुरंत ही अंदाजा हो जाता है कि इस क्रैश में एक भी जान नहीं बच पाई होगी, क्योंकि हेलीकॉप्टर की पूरी बॉडी पूरी तरह से जल गई थी और सिर्फ उसकी टेल बच पाई थी। इसके बाद सभी डेड बॉडीज को रिकवर कर लिया जाता है
जो बुरी तरह से जली हुई थी। हालांकि फिर भी उन्हें आइडेंटिफाई किया जा सकता था। रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म होने के बाद इस हादसे पर इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है, जिसमें सामने आता है कि इस क्रैश के पीछे का कारण खराब मौसम, बारिश और हैवी फॉग था। लेकिन एक्सपर्ट्स की इस राय पर काफी लोग भड़क गए हैं और सवाल कर रहे हैं कि प्रेसिडेंट के काफिले में 3 हेलीकॉप्टर थे तो ऐसा कैसे हुआ कि 2 हेलीकॉप्टर सही सलामत आ गए और प्रेसिडेंट का ही हेलीकॉप्टर हादसे में क्रैश हो गया। लोगों का मानना है कि इस हादसे के पीछे मौसम की खराबी नहीं बल्कि सोची समझी साजिश है, जिसका मास्टरमाइंड है इजराइल। पर इस सब का इल्जाम इजराइल पर क्यों आ रहा है? असल में गाजा में चल रहे इजरायली हमले के बीच कुछ समय पहले ईरान ने इजराइल पर हमला कर दिया था। इजराइल ने तब धमकी देते हुए कहा था कि ईरान को इसके गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। इसके अलावा इसी साल इजराइल ने अप्रैल की शुरुआत में सीरिया की राजधानी दमिश्क में एयर स्ट्राइक की थी, जिसमें ईरान के ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद रेजा जिहादी की मौत हो गई थी। ऐसे में इस हादसे के पीछे भी लोगों का शक इजराइल की तरफ जा रहा है। अब पूरी दुनिया को पता है कि ईरान और इजराइल एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हैं, लेकिन अजरबैजान के साथ भी ईरान के रिश्ते कई डेकेड से खराब चले आ रहे हैं। इसका रीजन है 1988 से 1994 तक चलने वाले अमेरिका और अजरबैजान के बीच युद्ध, जिसमें ईरान ने अजरबैजान के खिलाफ जाकर अमेरिका की बहुत ही ज्यादा मदद की थी। इस वजह से अजरबैजान के साथ इसने दुश्मनी मोल ली। लेकिन कहते हैं ना, दुश्मन का दुश्मन दोस्त। इसराइल ने इस मतभेद को देखते हुए फौरन ही अजरबैजान के साथ रिश्ते मजबूत कर लिए और उसे हथियार सप्लाई करने लगा। बदले में अजरबैजान उसे तेल देने लगा। कई बार ऐसी भी रिपोर्ट सामने आई हैं कि इसराइल अजरबैजान से ईरान के ऊपर नजर रखता है और उसकी हर एक चाल की खबर उसे वहीं से मिलती है। ऐसे में माना जा रहा है कि इसराइल अजरबैजान के अंदर इस तरह की साजिश को बहुत ही आसानी से अंजाम दे सकता है। लेकिन इन सब चीजों से हटकर इस हादसे का शक एक और चीज पर जाता है, जो है बहुत ही पुराने हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करना। असल में ईरान के पास मौजूद ज्यादातर हेलीकॉप्टर्स बहुत ही पुराने हैं। इन पुराने हेलीकॉप्टर्स की वजह है 1979 में ईरान पर लगे फॉरेन सैंक्शंस। दरअसल 1979 में ईरान के अंदर एक इस्लामिक रेवोल्यूशन हुआ था, जिसके बाद से इस पर कई तरह के विदेशी प्रतिबंध लगा दिए गए थे। इसका मतलब है कि दूसरे देश ईरान के साथ कुछ स्पेसिफिक तरह के ट्रेड या बिजनेस नहीं कर सकते थे। ये विदेशी प्रतिबंध उन्होंने ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को सपोर्ट करने की वजह से लगाए थे, जिसके बाद से ईरान के लिए नए एयरक्राफ्ट को खरीदना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो गया। यहां तक कि उन पुराने एयरक्राफ्ट के पार्ट को ही खरीदना एक बहुत बड़ा चैलेंज बन गया, जिसके चलते ईरान आज भी अपने पुराने हेलीकॉप्टर्स और एयरक्राफ्ट को ही बार बार रिपेयर करके इस्तेमाल करने पर मजबूर है और अक्सर ही किसी न किसी हादसे का शिकार हो जाता है। बेल 212 भी उन्हीं पुराने हेलीकॉप्टर्स में से एक था, जो काफी पुराना हो गया था, लेकिन अब भी उसका इस्तेमाल किया जा रहा था। ऐसे में माना जा रहा है कि इस हादसे के पीछे की वजह आउटडेटेड हेलीकॉप्टर भी हो सकता है, जिसमें ईरान के प्रेसिडेंट सहित 9 लोगों की जान चली गई। हालांकि इस हादसे के पीछे का असल रीजन क्या है, इस पर अब भी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, जो आने वाले समय में ही क्लियर हो सकेगा। लेकिन आपको इस घटना के होने का रियल रीजन क्या लगता है? खराब मौसम, आउटडेटेड हेलीकॉप्टर या फिर एक सोची समझी साजिश? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी हमारी आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।